Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic classification of invertebrates. The major groups of invertebrates are sponges, worms, insect, mollusks, and echinoderms. First of all, we are going to talk about sponges. These are aquatic animals and most of them live in the ocean. Aquatic animals से मुराद आबी जानवर हैं या वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं. कि ये जो स्पंजिस हैं ये आबी जानवर हैं, पानी में रहने वाले जानवर हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन ओशंस, और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो ओशंस या समंदरों में रहते हैं. दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, इनके मुख्तलिफ कलर्स होते हैं जैसे कि इधर दिखाया जा रहा है. दे यूजली रिमेन अटैच टू स्टोन्स, ये आम तौर पर जो पत्थर होते हैं उनके साथ जुड़े रहते हैं. द बॉडी इज़ फुल ऑफ पोर्स एक्सटर्नली, इनका जो जिस्म होता है वो सुराखों से भरा हुआ होता है बैरूनी तरफ. एंड कैनाल्स इंटरनली, और नालियों से अंदरूनी तरफ. वाटर एंटर्स थ्रू द पोर्स, जो पानी है वो सुराखों से पोर्स के ज़रिए दाखिल होता है. एंड एग्ज़िट थ्रू द लार्ज पोर, और जो निकलता है वो एक बड़े सुराख से निकलता है. इफ़ एनी बॉडी पॉट ब्रेक्स दे कैन फॉर्म इट अगेन, अगर इनके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो टूट जाता है या अलग हो जाता है तो ये इस काबिल होते हैं कि इसको ये दोबारा बना सकते हैं. वॉर्म्स जैसे कि कीड़ों को कहते हैं. वॉर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये जो वॉर्म्स होते हैं ये नरम जिस्म वाले जानवर होते हैं. देयर बॉडी इज़ राउंड आर सिलेंड्रिकल, इनकी जो बॉडी है वो या तो राउंड गोल होती है या उसकी जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है. दे हैव नो लेग्स, इनकी टांगें नहीं होती. द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स इज़ डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, कुछ जो वॉर्म्स हैं उनकी जो बॉडी है वो हिस्सों में तकसीम होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थ वॉर्म आर टैप वॉर्म्स, जैसा कि अर्थ वॉर्म और टैप वॉर्म्स, ये अर्थ वॉर्म है और ये इसकी जो बॉडी है वो सेगमेंटल है. द बॉडी ऑफ सम वॉर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इंटू सेगमेंट्स, और कुछ जो कीड़े होते हैं उनकी जो बॉडी है वो हिस्सों में तकसीम नहीं होती, जैसा कि फ्लैट वॉर्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है एंड राउंड वॉर्म्स और राउंड वॉर्म वगैरह इसकी मिसालें हैं जिनकी बॉडी जो है वो सेगमेंटल नहीं है. इंसेक्ट्स कहते हैं कीड़े मकोड़ों को. द इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स, कि ये इनवर्टिब्रेट हैं विद जॉइंटेड लेग्स, जुड़ी हुई टांगों के साथ. देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, इनकी जो जिस्म है वो सेगमेंटेड होता है या हिस्सों में तकसीम होता है. द बॉडी इज़ डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, इनकी जो जिस्म है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. हेड एक जो है वो हेड होता है, सर थोरेक्स इनकी छाती का जो हिस्सा होता है दरमियाना हिस्सा, एंड एब्डोमेन और इसका इनका जो निचला हिस्सा होता है या पीछे वाला हिस्सा हम इसको कह सकते हैं. द नंबर ऑफ लेग इज़ सिक्स आर थ्री पेयर्स, इनकी जो टांगें हैं वो छः होती हैं या फिर तीन पेयर्स होते हैं उसके. द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ बॉडी इज़ हार्ड, इनकी जो बैरूनी सतह होती है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, विच इज़ कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं. द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी, जो एक्सोस्केलेटन है ये इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, इसकी हिफाजत करता है और इसकी मुआवनत करता है, इसको सपोर्ट देता है. डू यू नो स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ स्टिक, कि स्टिक इंसेक्ट जो है वो स्टिक की तरह ही नज़र आता है. एंड इज़ ग्रीन आर ब्राउन इन कलर, उसका रंग ब्राउन या ग्रीन होता है. इट इज़ आल्सो नोन एज वॉकिंग स्टिक, इसको चलने वाली स्टिक भी कहा जाता है. लीफ इंसेक्ट लुक लाइक अ लीफ, लीफ इंसेक्ट जो है वो लीफ की तरह ही नज़र आता है. बोथ ऑफ दीज हाइड इन द इन्वायरमेंट टू रिमेन हिडन फ्राम द एनिमी, दोनों जो हैं वो माहौल में छुपे रहते हैं अपने आप को छुपाने के लिए दुश्मनों से. मोलस्क्स
दे आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ये जो हैं वो नरम जिस्म के जानवर हैं। दे लिव इन पॉन्ड्स, ये तालाबों में रहते हैं, लेक्स झीलों में रहते हैं, रिवर्स जो दरिया हैं उसमें रहते हैं, ओशंस और समंदरों में रहते हैं, एंड ऑन लैंड और ज़मीन पर भी रहते हैं। दे मूव फ्रीली आर रिमेन अटैच टू एनी वन, ये आज़ादी से हरकत कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं और किसी के साथ जो है वो जुड़े भी रहते हैं। बॉडी ऑफ सम मोलस्क्स इज़ कवर्ड विद शेल, इनमें से कुछ जो हैं उनकी जो बॉडी है वो शेल या हॉल से कवर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्नेल एंड ऑस्टर, जैसे कि जो है वो ऑस्टर और स्नेल की बॉडी है। वेयर एज सम आर विदाउट शेल, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्टोपस, और कुछ ऐसे हैं जो हॉल के बगैर होते हैं और उसकी मिसाल ऑक्टोपस है हमारे पास। इंफॉर्मेशन में देखें, व्हेन अ ग्रेन ऑफ साल्ट आर सैंड एंटर्स द बॉडी ऑफ ऑस्टर मोलस्क, कि जब कोई ग्रेन या साल्ट जो है या सैंड वो दाखिल होता है ऑस्टर की बॉडी में, इट फॉर्म अ पर्ल अराउंड द ग्रेन, तो वो ग्रेन के आसपास जो है वो पर्ल बनाता है, मोती बनाता है। इट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म अ पर्ल, और इसको सालों लगते हैं ये मोती बनने में। इचिनोडर्म्स, दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन द ओशंस, ये जानवर सिर्फ जो है वो समंद्रों में पाए जाते हैं। दे डू नॉट हैव एनी हेड, इनका कोई सर नहीं होता। द एनिमल्स मे बी डिस्क आर स्टार शेप्ड आर लार्ज वन, इनकी जो शेप है वो डिस्क की हो सकती है, स्टार शेप हो सकती है, या बहुत बड़े ये साइज़ में हो सकते हैं। द बॉडी हैज़ आ स्पाइनी कवरिंग, इनकी जो बॉडी है वो एक स्पाइनी उस पर कवरिंग होती है, या जैसा कि ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है जैसे कढ़ाई हुई हुई होती है। बायोडाइवर्सिटी, एज वी हैव रेड इन प्रीवियस क्लास, द नंबर ऑफ काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स के तादाद जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जानदार चीज़ों की प्रेजेंट जो कि मौजूद है एट ए पार्टिकुलर प्लेस, एक ख़ास जगह पर, इस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, उसको हम हयातियाती तनु या फिर बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नो लॉन्गर फाउंड इन दिस वर्ल्ड आर कॉल्ड द एक्सटिंक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर्स, के वो अकसाम पौधों की और जानवरों की जो अब मौजूद नहीं हैं या नहीं पाई जाती उस दुनिया में, उसको हम कहते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हैं या वो उनकी जो नस्ल है वो ख़त्म हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर्स है। मैनी ऑर्गेनिजम्स डेट आर वेरी लाइकली टू बिकम एक्सटिंक्ट इन नियर फ्यूचर आर कॉल्ड इनडेंजर ऑर्गेनिज्म, सच एज बंगाल टाइगर, राइनोसरस एक्सेट्रा, और कुछ जानवर या कुछ जानदार ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि नियर फ्यूचर या मुस्तकबिल करीब में वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या उनकी नस्ल भी ख़त्म होने का ख़तरा है, तो ऐसे जानवरों को हम कहते हैं कि ये ख़तरे में हैं, और इनमें बंगाल टाइगर है और राइनोसरस है। देर आर मैनी इंडेंजर्ड एनिमल इन पाकिस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल स्नो लिपर्ड, ग्रीन टर्टल, हॉक, इंडस डॉल्फिन एंड मारखोर, कि पाकिस्तान में बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनकी नस्ल ख़त्म होने का ख़तरा है, जिनमें स्नो लिपर्ड है, ग्रीन टर्टल है, हॉक है, इंडस डॉल्फिन है और मारखोर है। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पे इंसान के जो इम्पैक्ट हैं या असरात हैं, द फॉरेस्ट आर बींग कट फॉर कल्टिवेशन एंड अर्बनाइजेशन, के दरख्तों को काटा जाता है कल्टिवेशन करने के लिए, काश्तकारी के लिए भी और अर्बनाइजेशन के लिए भी। अर्बनाइजेशन से क्या मुराद है, जैसे दरख्तों को काट के, जंगलों को काट के तो शहर आबाद किए जाते हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स, के जब हम दरख्तों को या जंगलात को काट देते हैं तो जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी पनाहगाहें जो हैं वो हम तबाह कर देते हैं। अनदर ह्यूमन एक्ट ऑफ एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल्स हैज़ इंडेंजर्ड एनिमल, और एक और काम जो इंसान करता है वो बहुत ज़्यादा शिकार है जानवरों का, जिसकी वजह से इनकी जो नस्लें हैं वो ख़तरे में हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन की किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, उसकी कंजर्वेशन के बारे में हम बात करेंगे। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि इसको बचाने के लिए ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैज़ बीन रेगुलराइज्ड, कि इसको जो तजारत है इसको रेगुलराइज्ड करना चाहिए, मतलब ये कि उसमें एक तवाजुन होना चाहिए।
टू सेव द हैबिटेट्स, इसकी जो पनागाहें हैं उनकी हिफाजत के लिए द नंबर ऑफ़ गेम रिजर्व्स हैव बीन इंक्रीज्ड, कि इनकी जो नंबर ऑफ़ गेम्स रिजर्व्स हैं उनको इंक्रीज़ करना चाहिए या उसकी तादाद को बढ़ाना चाहिए। अब ये जो गेम रिजर्व्स हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या हैं। नेशनल पार्क्स हैव बीन मेड ऑल ओवर द वर्ल्ड वेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स आर केप्ट, के कौमी सतह पर पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पे इन जानवरों को पूरी दुनिया में रखा जाता है जिनकी नस्ल को ख़तरा होता है। डू यू नो, में देखें कि आ गेम रिज़र्व आल्सो नोन एज आ गेम पार्क, के गेम रिज़र्व क्या है, इसको गेम पार्क का भी नाम दिया गया है, इज़ अ लार्ज एरिया, कि यह बहुत बड़ा एरिया है ऑफ लैंड, ज़मीन का, वेयर जहाँ वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर लिव्स रहते हैं सेफली बहुत हिफाजत के साथ। इन सम गेम रिज़र्व्स एनिमल्स आर हंटेड इन आ कंट्रोल्ड वे, और कुछ गेम रिज़र्व्स ऐसे हैं जहाँ पर जानवरों का शिकार तो किया जाता है लेकिन उसको बहुत कंट्रोल वे में किया जाता है। डू यू नो, में देखें मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्रीज डेट ग्रो इन द कोस्टल एरियाज़, के मैंग्रोव्स जो हैं ये छोटे दरख्त होते हैं, स्मॉल ट्रीज़ होते हैं जो कि उगते हैं साहली इलाकों पर या समंदरों के आसपास या जैसे रिवर्स हैं उनके आसपास साहिलों पर। दे प्रोटेक्ट शोर लाइन, ये जो शोर लाइन है या जो हमारे साहली समंदर हैं इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्राम डैमेज, ख़राब होने से। दे एक्ट एज नर्सरीज फॉर मेराइन एनिमल्स, और ये जो समुद्री जानवर होते हैं इनके लिए ये नर्सरीज का काम करते हैं, सच एज फिश, क्रेब, प्रॉन्स एक्सेट्रा। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अर्न फॉरन एक्सचेंज फ्राम द एक्सपोर्ट ऑफ दीज एनिमल्स, और जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान की वो इससे ज़रा मुबादला कमाती है इसको एक्सपोर्ट करके बाहर के मुल्कों में इसको बेच के। मैंग्रोव्स आल्सो रिड्यूस स्मोक एंड पोल्यूशन ऑफ द सिटी, ये रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं धुएं को और आलूदगी को शहर के। कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स इज़ वेरी नेसेसरी, इसकी जो कंजर्वेशन है या इसकी जो हिफाजत है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये नर्सरीज का काम करते हैं जानवरों के लिए, और उसके साथ साथ इससे हमें जो है वो जानवरों से हमें क्या मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है।